डियर स्टूडेंट्स, लीनियर ऑपरेटर को हमने डिफाइन किया और उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखी। ऑपरेटर मींस दिस इज़ अ मैपिंग और इसकी डोमेन रेंज जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड जब हम मैपिंग की बात कर रहे हैं तो आपके पास डोमेन भी होगी, आपके पास रेंज भी होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली एक थियरम करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू रेंज एंड नल स्पेस। नल स्पेस क्या थी कि वो कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन कि जिसके ऊपर हम उस ऑपरेटर को अप्लाई करें और आंसर जो आपके पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। वो सारी कलेक्शन जो आपके पास दैट बिकम्स द नल स्पेस, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। द स्टेटमेंट इज लेट टी बी आ लीनियर ऑपरेटर। अब कंडीशन क्या है कि टी आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, देन द रेंज आर ऑफ टी इज़ अ वैक्टर स्पेस। के मतलब आप यूँ समझ लें कि जो अगर लीनियर ऑपरेटर है तो रेंज आपके पास जो होगी वो एक वेक्टर स्पेस होगी। डोमेन तो ऑफ कोर्स वेक्टर स्पेस है, हमने ये डिफाइन किया था कि आर ऑफ टी इज़ अ सबसेट ऑफ वाई। अगर एक्स से वाई पे है आर ऑफ टी जो है वो आपके पास रेंज जो है, क्योंकि ऑन टू के केस में तो रेंज बराबर होती है ना, मतलब वो ऑन टू के केस में वाई अगर वैक्टर स्पेस है तो आर ऑफ टी वाई के बराबर होगा और वैक्टर स्पेस होगा ऑब्वियसली। लेकिन इन जनरल हम बात करें इन टू मैपिंग की तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सारे उसके बराबर आए। जब बराबर नहीं आएगा तो दैट इज़ अ सबसेट ऑफ अ वैक्टर स्पेस। अब इसमें बताना हमने बेसिकली ये है कि रेंज जो है इन एनी केस, चाहे वो ऑन टू मैपिंग है चाहे वो इन टू मैपिंग है, तो ये आर ऑफ टी जो है वो एक आपके पास एक वैक्टर स्पेस बना रहा होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो इस थियरम के हमने प्रूव करनी है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इफ डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू एन, यानी कि एन जो आपके पास वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है फाइनाइट भी हो सकती है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो अगर डायमेंशन उसकी फाइनाइट है, एन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास रेंज की डायमेंशन है वो भी जो एक तो या तो उसके डोमेन की डायमेंशन के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। सो डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी विल बी लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये है कि नल स्पेस एन ऑफ टी इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट टू रिजल्ट्स हैं वो रेंज के बारे में है और लास्ट रिजल्ट जो है वो नल स्पेस के बारे में है कि नल स्पेस भी हो जा वो भी हो जो होगा वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। तो ये तीन इक्विवेलेंट कंडीशंस नहीं है, ये तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं। हम तीनों कंडीशंस को अलग अलग प्रूफ करेंगे। जब इक्विवेलेंट कंडीशंस होती हैं उसमें हमें बताना होता है कि ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी एंड सी इम्प्लाइज ए। इस केस में इक्विवेलेंट नहीं है, डिफरेंट, तीनों डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनको हमने वन बाई वन प्रूफ करना है कि रेंज जो होती है वो एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर डोमेन फाइनाइट डायमेंशन है तो रेंज ऑफ टी ना सिर्फ फाइनाइट डायमेंशन होगी बल्कि उसकी डायमेंशन डोमेन के डायमेंशन से बराबर या उसके उससे कम होगी। एंड थर्ड वन इज द नल स्पेस एन ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये तीन कंडीशन हम इसको वन बाई वन प्रूफ करते हैं। सो लेट्स मूव टू द प्रूफ ऑफ दीज थ्री कंडीशन वन बाई वन, दीज थ्री स्टेटमेंट्स वन बाई वन। सो हियर इज अ प्रूफ। फर्स्ट इज दैट वी हैव टू प्रूव दैट आर ऑफ टी द रेंज is a vector space, ठीक है। वैक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए बेसिकली हमने प्रूफ ये करना है कि इफ वी टेक एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम आर ऑफ टी लाइक वाई वन और वाई टू फ्रॉम दिस रेंज, ओके, सो दिस शुड इम्प्लाई दैट अल्फा टाइम्स वाई वन प्लस बीटा टाइम्स वाई टू दैट आल्सो बिलोंग टू रेंज ऑफ टी। ये हमने बेसिकली प्रूव करना है, ठीक है। और ये अल्फा एंड बीटा जो है ये आपके पास फील्ड के एलिमेंट हैं, दोज आर स्केलर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर हमने प्रूफ कर दी देन वी विल से दैट दिस आर ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस, ओके। नाउ सिंस वी आर टेकिंग वाई वन एंड वाई टू फ्रॉम द रेंज ऑफ टी, कि हम इस वाई वन और वाई टू को रेंज में से ले रहे हैं। अगर रेंज में से ले रहे हैं इसका मतलब टी जो आपके पास ऑपरेटर है, जो कि हम कह रहे हैं कि टी इज अ ऑपरेटर फ्रॉम लीनियर ऑपरेटर, टी इज अ ऑपरेटर फ्रॉम दिस डोमेन ऑफ टी टू यू हैव दिस, अगर आप कहें इसका वाई के ऊपर है एंड देन आपके पास ये रेंज के एलिमेंट्स है। रेंज के एलिमेंट्स का मतलब ये है कि आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर हम टी को ऑपरेट किया तो ये रेंज में गए। सो दैट मीन्स, सो दिस इम्प्लाइज वी हैव टू एलिमेंट्स फ्रॉम एक्स वन एंड एक्स टू फ्रॉम डोमेन ऑफ टी, कि जिसके ऊपर हमने टी को ऑपरेट किया तो आपके पास वाई वन और वाई टू बन गया। सो दैट मीन्स, सो दिस इम्प्लाइज दैट वाई वन इज एक्चुअली इक्वल टू सम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एक्स वन, उसके ऊपर हम टी को ऑपरेट किया, एंड वाई टू इज सम एलिमेंट, के वी हैव सम एलिमेंट फ्रॉम द रेंज से एक्स टू जिसके ऊपर हमने टी को ऑपरेट किया तो ये वाई वन बन गया।
ठीक है, दीज आर सम एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन ऑफ टी. नाउ अब आपके पास डोमेन ऑफ टी, तो ऑलवेज दिस इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस. डोमेन ऑफ टी इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस. सो सिंस डी डोमेन ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस, इज अ वेक्टर स्पेस, सो इट मीन्स कि अगर हम इसके दो एलिमेंट्स लेंगे डोमेन में से x1 और x2, दिस विल इंप्लाइज दैट अल्फा टाइम्स x1 प्लस बीटा टाइम्स x2 इट विल बी इक्वल टू, दैट विल बिलोंग टू डोमेन ऑफ टी. दिस इज बाय डेफिनेशन, बाय दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस. ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ये एलिमेंट डोमेन ऑफ टी में से आ गया है और मैपिंग क्योंकि डोमेन ऑफ टी से वाई के ऊपर है, तो बाय द लीनियर प्रॉपर्टी, सिंस टी इज लीनियर, इज लीनियर, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू दिस विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स वन प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ एक्स टू. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स y1 प्लस बीटा टाइम्स y2. अब क्योंकि ये डोमेन का एलिमेंट है और डोमेन के एलिमेंट के ऊपर हमने t को ऑपरेट किया है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यूज आएगी वो रेंज में चली जाएगी ऑटोमेटिकली. डेफिनेशन ये है कि d, अब डोमेन के ऊपर t को ऑपरेट करने के बाद जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द रेंज. सो दैट मीन दिस अल्फा y1 प्लस बीटा y2 दैट विल बिलोंग्स टू रेंज ऑफ t. और यही हमने प्रूव करना था कि आपके पास डोमेन ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस. अब क्योंकि ये हमने एलिमेंट जनरल एलिमेंट लिए थे y1 y2 वाज एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम R ऑफ टी, और उन तमाम एलिमेंट्स के लिए हमने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया है. दैट मींस दिस इज जनरल प्रूफ है कि R ऑफ टी जो है इज अ वेक्टर स्पेस. दिस इंप्लाइज दैट R ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस. ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है. दिस इज प्रूफ ऑफ पार्ट ए. ओके, नाउ मूव टू पार्ट बी. अब पार्ट बी में आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो ये थी कि डोमेन ऑफ टी इट्स डायमेंशन इज इक्वल टू एन विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी. अब डोमेन ऑफ टी एक वेक्टर स्पेस है, उसकी डायमेंशन जो है वो एन है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डोमेन ऑफ टी के अंदर बेसिस के एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस दोज आर इक्वल टू एन. ठीक है, बेसिस की अगर मैं डेफिनेशन आपको याद करवाऊं, बेसिस एक तो आपके पास स्पैन करना चाहिए, उसको शुड स्पैन दिस डी ऑफ टी, और दूसरा ये आपके पास जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. ठीक है, मोर ओवर एक और कंडीशन जो लीनियरली इंडिपेंडेंस की है कि अगर आपके पास सेट एन एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंस है. बेसिस के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, एन, और n एलिमेंट्स आपके पास जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर इसका मतलब ये है कि n से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट लोगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. दिस इज द कंडीशन दैट इफ n आपके पास एग्जैक्ट लीनियर उसके बेसिस के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो आप कोई भी n प्लस वन एलिमेंट्स लोगे वो आपके पास जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे. सो लेट इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे. सो लेट n प्लस वन एलिमेंट्स फ्रॉम, अब हम n प्लस एलिमेंट जो हैं वो हम रेंज में से ले रहे हैं. लेट n प्लस वन एलिमेंट्स फ्रॉम R ऑफ t, सो से y1 अप टू y n प्लस वन जो कि हमने R ऑफ t में से चूज किए, चूज एनी ऑर्बिट्रेरी, जनरल एलिमेंट कोई भी इसमें से y1 से लेकर yn तक ले लिए. ठीक है, सो बाय डेफिनेशन क्योंकि हमने इस एलिमेंट्स को रेंज में से लिया है, तो इसका मतलब हमें डोमेन में से, सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x1 अप टू xn प्लस 1 फ्रॉम डोमेन ऑफ t सच दैट y1 इज इक्वल टू t ऑफ x1, y2 इज इक्वल टू t ऑफ x2 एंड सो ऑन, एंड y n प्लस वन इज इक्वल टू टी ऑफ एन एक्स प्लस वन. ठीक है, सो अब क्योंकि आपके पास डायमेंशन ऑफ डोमेन जो है वो इज इक्वल टू n है विच इज लेस देन इन्फिनिटी है, तो आपके पास कोई भी सबसेट जो कि n प्लस वन एलिमेंट का होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा. सो दिस इंप्लाइज
दिस सेट जो कि हमने डोमेन में समय मिला है एक्स वन से लेकर एक्स एन प्लस वन के ऊपर, जिनके ऊपर हमने टी को ऑपरेट किया है, आपको ये वाई वन से लेकर वाई एन प्लस वन तक एलिमेंट्स मिले हैं, दिस मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो है लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अल्फा एक्स वन प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन प्लस वन एक्स एन, हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को देखें तो फॉर दीज आर फॉर दिस क्या होगा, फॉर सम स्केलर्स के सारे अल्फा वन से लेकर अल्फा एन तक सारे जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि सारे अगर जीरो होंगे तो इसका मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो दैट फॉर ऑल फॉर सम स्केलर्स अल्फा वन टू अल्फा एन प्लस वन नॉट ऑल जीरो। ठीक है, अब क्योंकि टी लीनियर है, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इंप्लाइज टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन पे अप्लाई करें, आपके पास जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा अल्फा वन एक्स वन प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन प्लस वन एक्स एन, और इस साइड पर टी ऑफ जीरो करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब ये एलिमेंट जो है, क्योंकि टी आपके पास लीनियर है, दिस विल बिकम्स बाय डेफिनेशन अल्फा वन टी ऑफ एक्स वन प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन प्लस वन टी ऑफ एक्स, दिस इज एन प्लस वन टी ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये टी ऑफ एक्स वन से लेकर एक्स टू और एक्स एन प्लस वन, ये बेसिकली क्या है, दैट इज इक्वल टू अल्फा वाई वन प्लस सो ऑन प्लस अल्फा एन प्लस वन वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इस सारी कैलकुलेशंस का कि हमने रेंज में से आर ऑफ टी में से एक जनरल एलिमेंट एन प्लस वन एलिमेंट लिए, एक जनरल एलिमेंट है सबके लिए ट्रू है। ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो है, सच दैट नॉट ऑल अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सारे के सारे अल्फा इज हैं वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट जो एक हमने जनरल एलिमेंट लिया है, ये आपके पास है, ये सेट आपके पास एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो इसको हम जनरल वे में बात करें कि रेंज में से आप कोई सा भी सेट लें जो के जिसके अंदर एन प्लस वन एलिमेंट हो, वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो बेसिस के एलिमेंट्स होंगे वो कभी भी वो एन प्लस वन या एन प्लस वन से ज़्यादा नहीं होंगे। जब बेसिस के एलिमेंट्स एन प्लस वन या एन प्लस वन से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब जो इसकी डायमेंशन होगी, सो दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था कि डायमेंशन उसकी लेस देन इक्वल टू एन है, एन प्लस वन या एन प्लस वन से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती कि एन प्लस वन या एन प्लस वन एन प्लस वन या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स लेंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक और जो प्रॉपर्टी इसमें से नज़र आ रही है वो ये आ रही है, जब आपके पास लीनियर ऑपरेटर हैं तो अगर वो लीनियर ऑपरेटर लीनियरली डिपेंडेंट सेट के ऊपर हम अप्लाई करें तो इन द एंड हमें लीनियरली डिपेंडेंट सेट ही मिलेंगे। ओके, सो वी कैन से दैट लीनियर ऑपरेटर्स Linear operators preserve linearly dependence. Okay. With this wording, let's move to last part of the proof of this theorem. That is, के null space आपके पास जो है वो vector space है. So let's say x1 और x2 हम ले रहे हैं null space of T में से. अगर null space में से लिए तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जब हमने operators T of x1 अप्लाई किया या टी ऑफ एक्स टू अप्लाई किया एक्स टू के ऊपर, बोथ शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इज डेफिनेशन। ओके, नाउ इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करना है कि अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू शुड बिलोंग टू नल स्पेस ऑफ टी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, सो टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, दिस इज इक्वल टू अल्फा, इसमें से हमें कॉमन मिल जाएगा टी ऑफ एक्स वन प्लस बीटा आ जाएगा टी ऑफ एक्स टू,
बट दिस बोथ आर जीरो, दिस इज अल्फा टाइम जीरो प्लस बीटा टाइम जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो. ओके, इसका मतलब यह होगा जिसके ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर जब हमने टी को ऑपरेट किया तो आपके पास आंसर जो है वो जीरो आ गया. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एलिमेंट टी ऑफ एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, दिस विल बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी. सो दिस इम्प्लाइज दैट नल स्पेस ऑफ टी इज अ वैक्टर स्पेस. दिस इज वेरी इजी पार्ट. तो ये हमने इसको बेसिकली इसको हमने नल स्पेस को वैक्टर स्पेस प्रूफ कर दिया. तो इसके साथ ही ए बी सी तीनों पार्ट्स का प्रूफ कंप्लीट होता है.